बिल्कुल भी ना भूलें। मुख्यमंत्री कमलनाथ के जन्मदिन पर क्षेत्रीय युवा विधायक सचिन बिरला सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने खरगोन जिले के सनावद स्थित शासकीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने मरीजों को फल और बिस्किट बांटने के साथ ही अस्पताल में होने वाली असुविधा का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने जनरल वार्ड की दीवारों पर लगे जालों को देख नाराजगी व्यक्त कर अस्पताल प्रबंधन को फटकार लगाई, साथ ही जल्द साफ सफाई करवाने के निर्देश भी दिए। इसके बाद बीएमओ अनुज करखुरे से चर्चा कर अस्पताल में मौजूद स्टाफ की जानकारी ली। इस दौरान डॉक्टरों ने अपनी समस्याएं बताते हुए कहा कि काम का दबाव अधिक रहता है, जबकि वर्तमान में मरीजों की संख्या के अनुरूप स्टाफ की भी कमी है, जिसके कारण उपस्थित डॉक्टरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। काम अधिक होने से कई डॉक्टरों ने रिजाइन तक दे दिया है। इस बात पर विधायक ने जल्द ही अन्य डॉक्टरों की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। विधायक बिरला ने स्वास्थ्य मंत्री से बात कर जल्द नए डॉक्टरों की नियुक्ति करवाने की बात कही। वहीं यदि किसी भी डॉक्टरों को कोई भी परेशानी आती है तो वह सीधे बुज से संपर्क करें। बैठक में विधायक बिरला ने सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सफाई कर्मियों की व्यवस्था की जाए, दोबारा ऐसी शिकायतें नहीं आनी चाहिए। हालांकि अस्पताल परिसर में जमा हो रहे गंदे पानी पर विधायक की नज़र नहीं पड़ी। सनावत से प्रभु दोगाय की रिपोर्ट। जो हमारे हॉस्पिटल में रिक्त पद हैं वो भोपाल पोर्टल पर, चाहे वो रेगुलर वाला हो चाहे NHM वाला हो, वहाँ पर आई थिंक अपग्रेड नहीं हुआ है। तो उन्होंने यहाँ से डिमांडिंग लेटर बनवाया कि आप अपने यहाँ का अपग्रेडेशन लेटर भेजिए सील साइन करके। तो जो भी वहाँ के रिक्त पद हैं और जिन जिन रिक्वायरमेंट्स की हमें आवश्यकता है वो हमने उनको बना के दिया है, उनकी नॉलेज में भी दिया है, और जितना जल्द संभव होगा भोपाल जाके रेगुलर पोर्टल पर और NHM पोर्टल पर जाकर वो खुलवाने की और अपडेट करवाने की कोशिश करें। सफाई नहीं होने से नाराजगी जताई है। हाँ जी, सफाई ना होने का कारण एक यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कर्मचारियों का, फोर्थ क्लास जो कर्मचारी उनका बहुत ज़्यादा अभाव है। लेकिन बहुत जल्द ही इसकी इनके द्वारा भी, विधायक साहब के द्वारा भी बताया गया है कि एक अपन क्या कहते हैं हायर कर सकते हैं, जो अपना RKS है वहाँ से एक स्वीपर से या वार्ड बॉय हायर करके, और इनसे बहुत जल्दी ये जो परेशानी है सफाई की बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। बिल्डिंग को लेकर स्ट्रक्चर की बातचीत की गई है कि रैंप नहीं है यहाँ पर, लेबर रूम जो है वो छोटा है। इसके लिए हमने यहाँ पर जो हमारे इंजीनियर्स हैं जो इसका काम देखते हैं उनसे फ़ोन पर भी चर्चा की है, और भोपाल जाके इनसे मिल के ये सॉल्यूशन जितना जल्दी संभव होगा, एक यहाँ की रैंप का और एक सिविल हॉस्पिटल बड़वा के जो PM रूम जो वो देख रहे हैं, दोनों के लिए हम चर्चा करेंगे, जाके जितना जल्दी संभव होगा इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है। जिस तरह हम लोगों के यहाँ पर सनावत शहर का जो दायरा है ये खंडवा ज़िले को भी प्रभावित करता है, खंडवा ज़िले के लोग भी यहाँ पर आते हैं इलाज के लिए, और करीबन 100 से 150 गांव और 2 बड़े शहर आसपास लगे हुए हैं। तो जो सिविल हॉस्पिटल के जो रिक्त पद हैं उनकी पूर्ति करने के लिए आज हमने बात की है, जिसमें हमारे यहाँ सर्जन का एक पद रिक्त है और 2 पद चिकित्सा अधिकारी के रिक्त हैं और 3 पद नर्सों के खाली हैं, और ऐसे वार्ड बॉय की कमी है, लेबर रूम हमारा छोटा है, उसको भी हमको आगे चल के बड़ा करना है, और 100 बिस्तरी अस्पताल के लिए भी हम चिकित्सा मंत्री से अभी बात करने वाले हैं, और आयुष डॉक्टर का भी एक पद रिक्त है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो अभी हम लोग इसको सुधारने के प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो कमी है वो है जो भोपाल में पोर्टल पर जो पदों की वो संख्या दिखाई जाती है वो पुराने उसमें है, तो उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। वार्डों में जाले लगे हुए दीवारों, बिल्कुल अभी निर्देशित कर दिया है, चूँकि व्यस्तता खूब है इन लोगों को भी, तो आज वो साफ सफाई करा रहे हैं। पिछले 15 सालों से हॉस्पिटल परिसर में नाली निर्माण नहीं हुए, ड्रेनेज से गंदा पानी जमा है, इस ओर आप क्या प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल, उसकी भी साफ सफाई की हम लोगों ने अभी नगर पालिका के अध्यक्ष महोदया को भी निर्देशित किया, उनको भी बोला है, तो वो भी इस पर कार्रवाई करते हैं, उसको भी साफ सफाई कराए। डॉक्टरों ने कार्य का अधिक भार होने की बात कही है। बिल्कुल सही है, अब डॉक्टर कम है तो कार्य का भार तो अधिक हो ही, उसकी भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। 2-3 दिन में स्वास्थ्य मंत्री से मिलेंगे और उनसे पूरी चर्चा करते हैं, अधिकारियों से भी हमारी बात हो चुकी है, उन्होंने भी हमें भोपाल बुलाया है, और वो सब जो यहाँ रिक्त पद है उनको पूर्ति करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज अपने CM साहब का जन्मदिन है तो आपने हॉस्पिटल में आके उसको मनाया है? बिल्कुल, हमने उन्हें फल वितरण किया है उनके जन्मदिन दिवस पर,
और ईश्वर से कामना की है कि मुख्यमंत्री जी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को लंबी आयु दे, ईश्वर के उनको स्वास्थ्य की भी उनकी रक्षा करे, वो प्रदेश की इसी तरह से सेवा करते रहे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।